धूप में निकलने से क्या आपका स्किन बहुत ज़्यादा काला और टमेटो जैसा लाल हो जाते हैं? इसका रीज़न है बाहर जाने से हमारा स्किन का टेम्परेचर बहुत हाई होकर पानी इवेपोरेट हो जाता है, एक्सट्रीमली सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम आ जाता है एंड मेलानिन प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगता है। इस प्रॉब्लम के लिए आपको धूप में निकलने से पहले ज़रूर एक अच्छा हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन लगाना चाहिए एंड घर लट के एक कूलिंग ब्राइटनिंग फेस मास्क लगाना चाहिए स्किन को रेजुविनेट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं फेस मास्क को कैसे बनाते हैं। एक मिक्सिंग बोल लेना है, इसमें जाएगा हमारे बेस्ट इंग्रेडिएंट्स इंस्टेंट ओट्स 3 टीस्पून। आप चाहे तो ओट्स पाउडर बना के भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऑल टाइप स्किन के लिए सुइटेबल है एंड स्किन में होने वाला इरिटेशन को सूदिंग इफेक्ट देता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट है पुदीना के पत्ते 1/2 मुट्ठी। पत्तों को तोड़ के मिक्सी में देना है, ये स्किन का टेम्परेचर कम करने में हेल्प करेगा। थर्ड इंग्रेडिएंट्स है दही करीब 1 टेबल स्पून। ये स्किन में हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, सनबर्न से हुआ कालापन इंस्टेंटली खत्म करके पहले जैसा ग्लोइंग स्किन देंगे। बाई चांस आपको दही सूट नहीं करते हैं, एक्ने प्रॉन स्किन है, तो इसके बदले में 2 टेबल स्पून टमेटो जूस डालें। आप लेना है मिक्सिंग करने के लिए क्यूकम्बर जूस लगभग 1/2 कप। क्यूकम्बर स्किन को कूल बनाएगा, धूप में एक्सेस स्वेट होने की वजह से पोर्स जो ओपन हो जाते हैं उसको छोटा करेगा, हाइड्रेशन देगा एंड स्किन का कालापन दूर करने में हेल्प करेगा। आप इसको स्मूथली ब्लेंड कर लेना है, एक एयर टाइट कंटेनर लेके ट्रांसफ़र कर लेना है। आपको ज़रूर मेरे जैसा रानी कंसिस्टेंसी में बनाना चाहिए, नहीं हुआ है तो और भी क्यूकम्बर जूस डाल के मिक्स कर लेना है। कुछ देर बाद ओट्स लिक्विड पार्ट को सोक कर लेंगे, तब कंसिस्टेंसी ठीक हो जाएगा। आप इसको ढक्कन लगा के फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रखने के बाद ठंडा होकर और भी इफेक्टिव हो जाएगा। बाहर से घर आने के बाद कोल्ड वाटर एंड फेस वॉश के साथ क्लीन कर लेना है फेस। देन इस मास्क को फ्रिज से निकाल के थिक लेयर में अप्लाई कर लेना है। ये इतना कूल है, अप्लाई करते करते ही नींद लेने का मन करेगा। फिर आप मैक्सिमम 30 मिनट्स के लिए अप्लाई करके रिलैक्स करिए एंड पानी के साथ अच्छे से मसाज करके वॉश कर ले। लास्ट में एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेना है। बस आपका आफ्टर सन स्किन केयर कॉम्प्लीट। आप इस मास्क को फ्रिज में 5 दिन के लिए रख सकते हैं। इस तरह और भी DIY रेमेडी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना।